Good noon for class. I'm your science teacher from Happy Camera School. Fourth class. This is our first class of science. And today we will read lesson number 1 in your science. And this is your science book, Friction Science. Fourth class. And this is our first lesson. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स यानी कि पौधों का वर्गीकरण. स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूट प्लांट्स को उनकी फीचर्स के अकॉर्डिंग देयर फीचर्स वी डिस्ट्रीब्यूट आवर प्लांट्स इन मैनी ग्रुप्स. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट आवर प्लांट्स एंड देयर mainly features. Let us start fourth class. We see many plants around us. Yani hum apne charon taraf bahut sare podhe dekhte hain, ped dekhte hain. Nearly 4 lakh types of plants are known today. Yani ki 4 lakh tarah ke podhe hain jinhe hum jante hain. आज हम जिन्हें जानते हैं या बहुत से आप काफ़ी बच्चों ने बहुत सारे टाइप के पेड़ पौधे देखे होंगे और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें आज तक आपने देखा नहीं होगा क्योंकि वो जंगलों में पाए जाते हैं. ठीक है, लेकिन उनके बारे में आप इजीली गूगल पर या एनी किसी अदर प्लांट्स बुक में आप उन्हें रीड कर सकते हैं ईजिली. ओके, दे आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि विश पूरे विश्व के अंदर पाए जाते हैं. कौन से 4 लाख के टाइप्स के प्लांट्स जो होते हैं. दे लिव एंड ग्रो इन डिफरेंट सराउंडिंग्स यानी कि चारों तरफ क्या है, वे लिव वो जिंदा रहते हैं और बढ़ते हैं. डिफरेंट सराउंडिंग्स यानी कि विभिन्न तरह के वातावरणों में वो आराम से पलते हैं. ठीक है, आराम से ग्रो करते हैं. सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड कुछ पौधे जो हैं वो ज़मीन पर पैदा होते हैं. सम इन वाटर और कुछ पानी में होते हैं. सम इन कोल्ड प्लेसेस कुछ बहुत ही ठंडी जगहों पर होते हैं. एंड सम इन हॉट डेजर्ट्स और कुछ जो होते हैं वो बहुत ही गर्म जगहों पर यानी कि लाइक डेजर्ट जो होती हैं आपकी, जो ये डेजर्ट्स होते हैं आपके यानी कि रेगिस्तान. ठीक है, रेगिस्तान में होते हैं. All these regions are called habitats of plants. यानी कि ये जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर ये पैदा होते हैं जैसे कि hot desert है, land है, water है, cold places हैं, ये क्या है, habitats of plants यानी कि ये पौधों के रहने की जगहें हैं. All plants can be divided into 2 main types यानी कि हमने सभी पौधों को, ठीक है, हमने उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. एक्वाटिक और वाटर प्लांट्स यानी कि वो पौधे जो पानी में रहते हैं जिन्हें हम जलीय पौधे कहते हैं. ठीक है, टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स यानी कि वो पौधे जो क्या होते हैं, ज़मीन पर होते हैं. ठीक है, ओके क्लास. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट एक्वाटिक और वाटर प्लांट्स. तो आज हम पढ़ेंगे एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में यानी कि जलीय पौधों के बारे में. प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक और वाटर प्लांट्स यानी कि वे पौधे जो कहाँ पैदा होते हैं, पानी में पैदा होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स. ठीक है, दे वर द फर्स्ट प्लांट्स ऑन दिस अर्थ यानी कि ये जो है सबसे पहले पौधे थे जो पाए गए हैं क्योंकि ये कहाँ थे, पानी के अंदर थे. दीज प्लांट्स आर ऑफ 3 टाइप्स यानी कि ये पौधे भी 3 तरह के होते हैं. तो देखा ना, हो गया ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स यानी कि मेनली 2 टाइप्स में भी एक्वाटिक जो प्लांट्स हैं उन्हें भी हमने 3 टाइप्स में डिस्क्राइब किया है, इतनी डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने उन्हें. तो फर्स्ट फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स
यानी कि वो पौधे जो पानी के अंदर फिक्स होते हैं, यानी कि पानी में वो मूव नहीं करते, वो बिल्कुल स्थिर रहते हैं, लाइक अ लोटस एंड वाटर लिली. आपने देखा है ना, कमल का फूल कहाँ होता है, हमेशा कीचड़ में होता है ना जहाँ पर, लेकिन उसके नीचे पानी भी तो होता है ना, ठीक है. तो ये वाटर में स्टेबल रहते हैं, ठीक है, फिक्स रहते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें नीचे होती हैं, तो फिक्स रहते हैं ये. फ्लोटिंग प्लांट्स, आपको पता है ना, क्योंकि देखो पानी के ऊपर हमेशा चीज़ें जो हैं वो तैरती हैं, फ्लो करती हैं. सम एक्वाटिक प्लांट्स रिमेन फिक्स्ड इन द सॉइल एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, ठीक है. कुछ जो जलीय पौधे होते हैं रिमेन फिक्स्ड, यानी कि वो बिल्कुल स्थिर रहते हैं मिट्टी में, एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, यानी कि तालाब की सतह पर. देखो बच्चों, याद रखना, अगर पानी है इट मीन्स ये नहीं कि पानी के नीचे कोई जगह नहीं होगी, ठीक है. हम एक धरती पर रहते हैं, ये प्लैनेट है. प्लैनेट पर अगर ऊंची लाइक अ माउंटेन्स, ठीक है, अगर ऐसी भी हैं प्लेटूज जैसे प्लेसेस भी हैं, तो वैसे ही रिवर जैसे डीप प्लेसेस भी हैं, हिल्स भी हैं. तो आपने देखा ना कि हर चीज़ की अपनी एक सतह ज़रूर होती, एक बेस ज़रूर होता है, ठीक है. तो ये उस बेस में ये स्थिर रहते हैं बाय लॉन्ग होलो स्टेम, यानी कि इनकी लंबी, होलो का मतलब होता है खोखली, स्टेम यानी कि तने की वजह से. यानी कि इनका जो आप ये देख रहे हैं ना बच्चों, ये तना क्या होता है, अंदर से होलो होता है, यानी कि इसमें ये खोखला होता है, अंदर से उसमें छेद हो सकते हैं इसमें, है ना. एंड डीप रूट्स, और इनकी गहरी जड़ें होती हैं, लाइक लोटस वाटर लिली, जैसे कि कमल और वाटर लिली. दे हैव ब्रॉड लीव्स, और इनकी जो पत्तियां होती हैं कैसी होती हैं, बिल्कुल चौड़ी, लाइक अ बड़ी बड़ी, ठीक है, ब्रॉड होती हैं वो, चौड़ी होती हैं. विच फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जो कि पानी की सतह पर बहती हैं, यानी कि वो हिलती रहती है, लाइक दिस, देख रहे हैं ना आप, ये कितनी बड़ी लीव्स हैं ये ग्रीन कलर की. द लीव्स हैव स्टोमाटा ओनली ऑन देयर अपर सरफेस, यानी कि इन लीव्स की जो ऊपरी सतह होती है वहाँ पर क्या होता है बच्चों, स्टोमाटा. याद है क्लास, आपने ये वर्ड प्रीवियस क्लास में रीड किया था, पढ़ा था. स्टोमाटा क्या वर्क करता है लीव्स में, ये एयर को इन एंड आउट करता है, ठीक है ना. स्टोमाटा जो लीव्स के अंदर होता है, और ये क्या होता है, लीव्स के ऊपर होता है, ऊपरी सतह पर होता है, फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन के लिए. श्वसन यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना. एंड लीव्स स्टॉक्स आर स्पंजी एंड फिल विद एयर, यानी कि जो लीव के स्टॉक्स होते हैं वो कैसे स्पंजी होते हैं. स्पंज से मतलब पता है क्या होता है बच्चों, जैसे आप उन्हें कई बार दबा दें, स्पंजी देखे ना आपने, स्पंज देखे ना कि वो स्पंजी से मतलब आराम से आप उन्हें ईजिली दबा सकते हैं और वो ओपन हो जाते हैं. क्यों, क्योंकि वो हवा से फील्ड होते हैं. अच्छा, स्पंजी का एक अच्छा एग्जाम्पल दूँ आपको, ढोकला. कुछ रिमेम्बर आया, जो ढोकले होता ना जो बेसन से बनता है, वो एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है स्पंजी फूड की, अगर बात स्पंजी का, क्योंकि वो स्पंजी होता है, यू नो, क्योंकि वो अंदर से क्या होता है, वो एयर फील्ड होता है, तो दैट्स वाई वो क्या होता है, स्पंजी होता है. तो क्लास, आज हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स में फर्स्ट एक्वाटिक और वाटर प्लांट्स का हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा, जिसमें हमने जाना फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में. फोर्थ क्लास आज के लिए इतना ही. नाउ रेस्ट ऑफ माय वर्ड्स, बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर. एंड हाँ, रिमेंबर दैट ऑल ऑफ यू हैव रीड दिस लेसन. Tomorrow we will discuss our second point, free floating plants. So that's why all students will read this lesson number 1, distribution of plants, for tomorrow class. Bye bye students, take care.